हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री श्याम आप सबको और जय माता दी। तो आज हम कर रहे हैं मेकअप, ब्राइडल मेकअप आज हम करेंगे। अगर आप न्यूली मैरिड हो तब भी आप इसको मेकअप को यूज़ कैरी कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लगाया था, स्प्रे लगाया था जिसको बोलते हैं टोनर। टोनर के बाद मैंने ममा अर्थ का ये सनस्क्रीन लगाया, गुड वाइब्स का टोनर था और ममा अर्थ का सनस्क्रीन है SPF 50। और ये है ब्लू हेवन का प्राइमर। प्राइमर ऊपर पोर्स को फिल करता है और जो सनस्क्रीन है वो UVN UVB रेस से प्रोटेक्ट करता है। धूप पे जब भी आप बाहर जाते हो तो धूप से बचाता है आपको, टैनिंग नहीं होने देता, टैनिंग से बचाता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का ये फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फाउंडेशन है। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरा पर्सनली फेवरेट ब्रांड है ये, फेवरेट ब्रांड है। तो अभी मैं देखिए इसी का ही फाउंडेशन अपने यूज़ कर रही हूँ फेस पे। मैं अच्छे से नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ फेस पे अगर आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो आपकी नेक काली लगेगी और फेस आपका गोरा लगेगा। इसलिए आप मेक श्योर कि आप नेक पे भी और ईयर्स पे भी और अपने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन लगाओ। अभी मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये टूट गया गिर के, तो इसलिए मेरा मुंह ऐसा बना हुआ है कि एकदम से सारा बिखर गया, थोड़ा सा ही बचा है इसमें, वही मैं लगा रही हूँ। सारा मैंने ना निकाल लिया एक अलग से डब्बी में, क्योंकि ये जैसे ही मैं इसको निकाल रही थी ड्रेसिंग टेबल में से मेरे हाथ से सारा सामान था, मतलब एक ज़्यादा, तो ये इसमें से गिर के टूट गया और एकदम पाउडर बन गया है। तो ममा अर्थ का ये कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद शुगर का ये मेरे पास पैलेट है, फेस पैलेट। इसमें आपको मिल जाता है कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लशर। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग अपने फेस के अकॉर्डिंग। अभी तो मेरे फेस की शेप बहुत ही अच्छी आने लग गई है, जब कॉन्टोरिंग कर लेती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मैं अपने फेस पे किस तरीके से कॉन्टोर कर रही हूँ। ये पाउडर कॉन्टोर करती हूँ हमेशा मैं, लिक्विड कॉन्टोर है जो वो इतना ज़्यादा सेट नहीं बैठता मेरे फेस पे। तो देखिए अगर आपके जैसे मेरे से, अब क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर गीला था तो मैं उसी से ब्लशर लगा लिया, जिसकी वजह से मेरे फेस पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था ब्लशर। तो फिर मैंने उसको अच्छे से सेट भी कर लिया, सिर्फ ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद लगाया मैंने हाइलाइटर इसी पैलेट में से, और हाइलाइटर इतना मस्त है, देखो थोड़ा सा लगाया एकदम से ग्लो आ गया फेस पे, आप देख ही पा रहे हो। तो हाइलाइटर अगर आपको यूज़ करना है तो ये शुगर का हाइलाइटर सबसे बेस्ट है। मेरे पास अलग से भी हाइलाइटर है शुगर का सिंगल, मतलब सिंगल सिंगल भी, ये जैसे तीनों एक पैलेट में ना आपको सिंगल भी मिल जाएगा। जैसे अगर ब्लशर अकेला लेना है वो भी मिल जाएगा, दो तीन शेड आते हैं इसमें ब्लशर में शुगर के, और इसमें आपको कॉन्टोर भी अलग से मिल जाएगा और हाइलाइटर भी अलग से मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये इकट्ठा ही पैलेट लिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर इकट्ठा वाला लेते हैं तो। तो देखिए मैंने अच्छे से अपने फेस की जो कॉन्टोरिंग नोज़ की भी कर ली है, क्योंकि मैंने पहले मैं भूल गई थी, काफ़ी टाइम बाद मेकअप कर रही थी मैं भूल गई थी। तो अभी देखिए आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सा मेकअप कर रही हूँ क्योंकि समर में ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो भी आप हल्का सा इस तरीके का मेकअप करेंगे, आप देखिए बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे मैंने यहाँ साड़ी वेयर करनी थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मैं लहंगा ही वेयर कर लेती हूँ, साड़ी मैं ऑलरेडी बहुत दो तीन दिन से वेयर कर ही रही हूँ। तो फिर इसीलिए मैंने जो है लहंगा वेयर किया और मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ आज, मुझे अपने आप को मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं आज अच्छी लग रही हूँ। बाकी आप लोग बताना कॉमेंट करके। तो ये काजल है, इसको अपने लोअर लैश लाइन पर, लोअर और अपर दोनों लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने लगाया मस्कारा। मस्कारा मेरे पास ये ब्लू हेवन का है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, इससे बहुत अच्छी अच्छी लैशेस कर्ल भी हो जाती है और लंबी लगने लग जाती है पलके, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया है। देखिए मैं अलग से लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया है। उसके बाद पूरा फेस मेकअप सेट किया, उसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, क्योंकि फेस आईब्रो पहले फिल कर लेती हूँ तो उसके बाद जब मैं स्प्रे करती हूँ तो मेरी आईब्रो से भी ये हट जाता है, आईब्रो फिर खाली सी लगने लग जाती है, तो इसलिए मैं बाद में फिल कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे अप्लाई करने के बाद। सेटिंग स्प्रे मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ किया है, और जो आई शेडो पैलेट है वो अभी स्विस ब्यूटी का है ये, इसी से मैं डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुरूपनखा वाला फेस लगेगा, इसलिए डार्क ब्राउन शेड में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अभी देखिए ममा अर्थ की ये लिपस्टिक है, रूबी वाला कलर है ये 01, ये देखिए रूबी क्रश 01 रूबी क्रश इसका शेड नंबर है, बहुत ही प्यारा शेड, मेरा पर्सनली ये फेवरेट है। मेरे पास दो शेड इसके ममा अर्थ के जो लिप शेड आए हैं, 9 शेड आए हैं मेरे पास, तो दो शेड तो मेरे पर्सनली इतने फेवरेट है ना, जो कि थोड़े डार्क है, इसलिए। तो अभी मैं अपने सिंदूर लगा ले रही हूँ मांग में, इसी से लिपस्टिक से ही लगाया है, तो
तो कुछ भी ऐसे कमेंट मत करना कि ऐसे लगाया, ऐसे लिपस्टिक ही यूज़ किया मैंने, क्योंकि मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ तो पूरा ही लुक वैसा ब्राइडल वाला आना चाहिए कि नहीं। तो अभी देखिए बिंदी रह गई थी, बिंदी मिसिंग थी, तो मैंने सोचा कि बिंदी के बिना तो पूरा फेस मेरा खाली खाली लग रहा है, तो बिंदी भी मेरी लग गई। इसके बाद मैंने वेयर किया है अपना नेकलेस सेट, तो देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, बताना आप। चूड़ा भी कैसा लग रहा है मुझे वो भी बताना। ये चूड़ा मैंने मीशो से लिया है, बहुत ही सस्ता लिया है, 280 रुपीज़ का था ये, तो 280 रुपीज़ में इतना बढ़िया चूड़ा, ये मैंने अभी आधा ही पहना हुआ है, मतलब इसके बीच की और बैंगल्स भी हैं, मैंने आधा वेयर किया हुआ है। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, मेकअप हो गया डन, अभी मैं आपको फुल लुक में मिलती हूँ।